सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मेन एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे तंघाओं और तंगजियाओं दोनों ही सोलैंड में चल रही वॉर में कैसे अंडेड आर्मी की वॉट लगा रहे होते हैं, जो कि सच में बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा होता है। टू बाइंग किसी बकछोड़ी के, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट होती है और हम तंघाओं को देखते हैं, जो कहता सभी एक साथ जेलिंग गेट को कॉन्करर करने के लिए जाओ, इसे पहले बिबिडॉन एक गॉडेस बन जाए। हम अगले सीन देखते हैं टांग एक्साइयों को, जो बेड ही स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए सभी अंडेड आर्मी को मारते जा रहा होता है, और टांग हाओ भी अंडेड आर्मी का सफाया करते जा रहा होता है। लेकिन अंडेड आर्मी खत्म हनी का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और वह तंघाओं को डोमिनेट करने की सोच रहे होते हैं। इसी समय टैंगसियाओ अपनी हाउशन हैमर की नाइन्थ सीक्रेट टेक्निक का यूज कर देता है, जिसका नाम स्मैश इट था, जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं। इसके बाद तंघाओ भी अपने सुमेरु हैमर टेक्निक का यूज कर देता है और टैंगसियाओ भी उसमें उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अंडेड आर्मी गाजर मूली की तरह उड़ रहे होते हैं और सभी का भरता तांगक्सियाओ बना रहा होता है। या नज़ारा काफी खतरनाक लग रहा है, सच कहूँ तो ये सीन मेरा फेव भी बन गया एच। और दूसरी तरफ स्वॉर्ड और बोन डुल्यूओ टू अलग ही भौकाल में होते हैं, वह दोनों ही तेज स्पीड के साथ जेलिंग गेट की तरफ बढ़ रहे होती हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने एक अंडेड डेविल बेयर आ जाता है। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड डुल्यूओ को, जो डेडलीस्ट स्वॉर्ड का यूज करके सभी अंडेड फ्लाइंग मॉन्स्टर को किल करे जा रहा होता है, जो देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा होता है। और दूसरी तरफ बोन डुल्यूओ अपने स्पिरिचुअल बोन का यूज करके सभी फ्लाइंग बीस्ट को किल कर देता है। फिर स्वॉर्ड डुल्यूओ अपने किसी स्वॉर्ड की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके डेविल बेयर मॉन्स्टर को किल कर देता, और दूसरी तरफ बोन डुल्यूओ रॉक करते हुए स्टाइल के साथ उड़ रहे फ्लाइंग बीस्ट को किल कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अभी भी अंडेड आर्मी खत्म हनी का नाम ही नहीं ले रही होती है। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, टिल देन बाय। और हाँ, जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक कर दियो, बाय।